राम राम जी सारे ने, के ज्ञान से तारा। आप लोगों ने बेरा बे CBSE की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रद्द हो चुकी हैं, कल बयान आया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द की थी, तो अब हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के बारे में भी बच्चों के मन में संशय था भाई ये होंगी या नहीं होंगी। तो भाई हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएँ भी रद्द हो चुकी हैं, शिक्षा मंत्री का बयान आया है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, दो तीन जगह आया हुआ है, सारी की सारी जगह दिखा दूँ और क्या 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 है, डिटेल्ड बयान भी है। CBSE की तर्ज पर हरियाणा में 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जाएंगी, कंवर पाल, ठीक है भाई, जो अपने शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है। ये देखिए भाई और डिटेल्ड न्यूज़ अखबार के अंदर आई हुई है, जागरण के अंदर देख सकते हो अगर मैं आता हूँ तो। कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 12वीं की परीक्षा नहीं लेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में भी CBSE की तर्ज पर 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या किसी दूसरी पद्धति से, इसका निर्णय जल्द मुख्यमंत्री की अगुवाई में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संक्रमण कम होने पर अगर कोई परीक्षा देना चाहता है तो उसकी परीक्षा देना चाहता है तो उसकी अनुमति ऐसे बच्चों के बाद उसकी अनुमति होगी, ऐसे बच्चों के बाद में परीक्षाएं होंगी। भाई जो परीक्षा देना चाहो है भाई, नुसाब है, मैं तो परीक्षा देऊंगा, मैं तो इन नंबरा तो संतुष्ट होनी, तो वो बाद में पेपर दे सीखा, जब संक्रमण ठीक हो जाए वो फार्म भर सीखा है, ठीक है। अरे यो देखो ये अपना 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई है, CBSE की है, ठीक है। 7 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया फैसला, तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी कि परीक्षा परिणाम कैसे तैयार किया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए एक पद्धति अपनाई जाएगी, अभी एक मापदंड तैयार किया जाएगा, अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया है, तो ये सब आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।